हेलो दोस्तों, कैपेसिटी में आप सबको स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज फिर आप लोगों को लेकर आए नई कैंपस प्लस वन का वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं जो कंपनी कैंपस प्लस वन लगाने के लिए जा रही है, सुजुकी मोटर कंपनी कैंपस प्लस वन लगाने के लिए आ रही है। दोस्तों जो ये कंपनी है दोस्तों गुजरात में है, हंसलापुर में, तो आप लोग का जॉब लोकेशन भी वहीं पर रहने वाला है। वही कंपनी आ रही है कैंपस प्लस वन लगाने के लिए, वो भी चार जगह ये कैंपस प्लस वन लगाने के लिए जा रही है। चार आईटीआई कॉलेजों में ये कैंपस प्लस वन लगाई जा रही है, वो भी अलग अलग डेट पर कैंपस प्लस वन लगाई जा रही है। और अलग अलग यहाँ पे पासिंग आउट भी दिया गया है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सब में 2015-21 रखा गया है, लेकिन अपेयरिंग वाले सब कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं। बाकी अदर जो है 2015-21 किसी में है, किसी में 2017-21 है, किसी में 2018-21 है, ऐसा है दोस्तों। तो मैं सारा कुछ बताऊँगा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन चल के, तो आप लोग शुरू से दोस्तों इस वीडियो में बने रहेगा। और आईटीआई पास आउट कैंडिडेट सिर्फ भाग ले सकते हैं, आपके 10th+ आईटीआई पास आउट होना चाहिए तभी आप इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं। वो भी एनसीबीटी एससीबीटी, आप सरकारी आईटी सीखें या प्राइवेट आईटी सीखें, आप इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी दिया जाएगा वो 20,100 रुपये पर मंथ आपको इसके अंदर सैलरी दिया जाएगा दोस्तों। और फैसिलिटी, ऑल फैसिलिटी इसके अंदर आपको दिया जाएगा, कैंटीन, बस, पीएपीएसआई, जो भी फैसिलिटी होता है दोस्तों, बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया जाता है सुजुकी मोटर के अंदर जो गुजरात में प्लान है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे कैंपस प्लेसमेंट को मिस नहीं करना है दोस्तों, आप लोग को जाना है दोस्तों। और दोस्तों इसमें क्या चाहिए नीचे सारा कुछ मैं इसका ऑफिसर नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल्स बताऊँगा कि क्या एजमेंट रखा गया है, कहाँ कैंपस प्लेसमेंट लगाई जा रही है, सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो आप लोग शुरू से अंडे दोस्तों इस वीडियो बने रहे तभी आप लोग समझ में आएगा। और उससे पहले दोस्तों अगर मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल करके रखिए, ताकि ऑल इंडिया कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी जारी है, आईडी संबंधी जितनी भी जानकारी होती है सारी जानकारी चैनल पर आप लोग को दी जाती है। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं सुजुकी मोटर के ऑफिसर नोटिफिकेशन पे। हेलो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग सुजुकी मोटर के ऑफिसर नोटिफिकेशन पा चुके हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग मारुति सुजुकी मोटर इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिसर नोटिफिकेशन आ चुके हैं दोस्तों। जो गुजरात में प्लांट है दोस्तों उसके ऑफिसर नोटिफिकेशन पे हम लोग आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे चलिए कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए जो क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है वो 10th+ आईटीआई पास आउट वाले बच्चे भाग ले सकते हैं, एनसीबीटी एससीबीटी, वो भी आपका 10th में 50% नंबर होना चाहिए और आईटी में आपका 60% नंबर होना चाहिए तभी आप इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं दोस्तों। और चार जगह ये कैंपस प्लेसमेंट लगाई जा रही है दोस्तों, तो भी मैं बताऊंगा नीचे चल के। जो ट्रेड दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं, फीटर, डीजल मैकेनिकल, मोटर मैकेनिकल, टर्नर, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ट्रैक्टर मैकेनिक, पेंटर, एटसेट्रा, मतलब ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा, तो ये सब ट्रेड भाग ले सकते हैं दोस्तों। जिनका ट्रेड है वही केवल जाइएगा, अदर वाले बच्चे को जाने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग जाएंगे तो आपको नहीं लिया जाएगा वहाँ पे, जो ट्रेड दिया गया वही बच्चे को लिए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो पासिंग आउट दिया गया चारों में वो देख सकते हैं, जो 2017-21 पास्ट एंड अपेयरिंग वाले भी ले सकते हैं, जो 15-3-2022 को कैंपस प्लेसमेंट लगाई जा रही है, और जो दूसरा कैंपस प्लेसमेंट है वो 2016-21 पास आउट और अपेयरिंग वाले भी इसमें भाग ले सकते हैं। ये जो कैंपस प्लेसमेंट लगाई जा रही है 9-3-2022 को, तो ये 9 मार्च को कैंपस प्लेसमेंट लगाई जा रही है। और 2015-21 जो दिया गया है वो देख सकते हैं यहाँ पे 9-3-2022, ये भी 9 तारीख को लगाई जा रही है। जो 2015-21 पास आउट है वो अपेयरिंग वाले भी भाग ले सकते हैं, वो जो कैंपस प्लेसमेंट लगाई जा रही है वो 10 तारीख को लगाई जा रही है दोस्तों। तो ये डेट सारा दिया गया है देख सकते हैं, और पासिंग आउट भी अलग अलग दिया गया है, लेकिन अपेयरिंग वाले सब में भाग ले सकते हैं। जो जेंडर दिया गया ओनली मेल कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं, ओनली जो है पुरुष को लिया जाएगा। जो एज में रखा गया 18-23 वर्ष रखा गया, जिनका एज 18 से 23 वर्ष तक है वही केवल भाग ले सकते हैं, अदर वाले बच्चे नहीं ले सकते हैं। सैलरी एंड बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो आपको सैलरी दिया जाएगा वो 20,100 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा। जो इसमें से आपका सिटी से वगैरह काट कुट के 14,925 रुपये दोस्तों आपको हैंड सैलरी दिया जाता है। इसके अंदर ऑल फैसिलिटी दिया जाता है, कैंटीन, बस, पीएपीएसआई, जो भी होता है दोस्तों, मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, सब कुछ दिया जाएगा। सिर्फ जो है आपको रूम अपने से लेना पड़ेगा। जो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आईटी का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और 4 पासपोर्ट साइज कलर वाला फोटो आपको लेके जाना, और इन सब डॉक्यूमेंट का 2 जेरॉक्स को भी साथ में आप लेके जाएगा, ताकि वहाँ पे जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों जैसे हम लोग देखे कि ऊपर दिया हुआ डेट सिर्फ दिया हुआ था, लेकिन एड्रेस दिया हुआ नहीं था कि कहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट लगाई जा रही चारों, लेकिन इसमें डेट और एड्रेस दोनों दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है कि किस टाइम लग रही है कैंपस प्लेसमेंट। जो 15 मार्च को कैंपस प्लेसमेंट लगाई जा रही है वो सुबह 9:30 बजे आप लोग को जाना है। जहाँ जाना देख सकते हैं गवर्नमेंट आईटीआई जो बालासिनी रोड, सेवाली रोड नियर एटीआर साइंस कॉलेज डिस्ट्रिक्ट महेशगढ़ गुजरात में कैंपस प्लेसमेंट लगाई जा रही है। और जो दूसरा लगाई जा रही है वो डेट 9 मार्च को लगाई जा रही है दोस्तों, वो भी 9:30 बजे आप लोग को जाना है। जहाँ जाना देख सकते हैं गवर्नमेंट आईटीआई जो जगतीपुर हरिद्वार में कैंपस प्लेसमेंट लगाई जा रही है, उत्तराखंड में ये कैंपस प्लेसमेंट लगाई जा रही है दोस्तों। तो आप लोग को 9 मार्च को 9:30 बजे हरिद्वार आप लोग को जाना है दोस्तों।
यहाँ पे देख सकते हैं जो तीसरा कैंपस प्लस में लगाई जा रही है वो 9 मार्च को ही लगाई जा रही है। ये जो लगाई जा रही है हिमाचल प्रदेश में लगाई जा रही है, जहाँ पे लगाई जा रही है गवर्नमेंट आईटीआई जो पॉप लोग तहसील सरखाहट डिस्ट्रिक्ट महंदिर हिमाचल प्रदेश में ये कैंपस प्लस लगाई जा रही है, तो आप लोग वहीं पर जाना पड़ेगा। और जो चौथा कैंपस प्लस लगाई जा रही है वो 10 मार्च को लगाई जा रही है दोस्तों। टाइम सुबह सेम टू सेम दिया गया, 9:30 बजे आप लोग वहाँ पर जाना है। जो वेन्यू दिया गया है आईटीआई आचार्य श्रीनगर राजस्थान में ये कैंपस प्लेसमेंट लगाई जा रही है। तो दोस्तों मैंने चारों कैंपस प्लेसमेंट के बारे में बता दिया, कब कैंपस प्लेसमेंट लगाई जा रही है, कहाँ लगाई जा रही है, मैं पूरा डिटेल्स बता दिया दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो जय दोस्तों, अगर वीडियो चला तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए और चैनल पहले गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।